हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार ना होते तो आज हिमाचल ना होता। वाईएस परमार की ये कहानी हर हिमाचली को देखनी चाहिए। 28 जनवरी 1977 हिमाचल के बस स्टैंड से रोडवेज की बस में एक बुजुर्ग सवार होता है जिसे सिरमौर जाना था, अपने गांव चिनहालग। मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे कि अच्छी खासी नौकरी थी लाहौर लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद जज बने। पता नहीं जहन में ऐसा क्या आया कि कैरियर बदल दिया। हम हिमाचल निर्माता वाईएस परमार की बात कर रहे हैं जिन्होंने 18 जनवरी 1977 को जब इंदिरा गांधी ने ये ऐलान किया कि अब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी और देश में चुनाव होंगे तो इसके 10 दिनों के बाद ही इस्तीफा दिया। यशवंत सिंह परमार ने इस्तीफा दिया या ये समझे कि इस्तीफा दिलाया गया, क्या है पूरी कहानी जानने के लिए आपको अतीत में ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं BNF हिमाचल। 4 अगस्त और साल 1906 को चनहालग गांव में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया। पिता भंडारी शिवानंद सिंह परमार सिरमौर रियासत के दो राजाओं के यहाँ दीवान थे। भंडारी उर्दू फारसी कला संस्कृति के ज्ञातक थे, साथ ही में वो शिक्षा के महत्व को भी समझते थे। इसलिए ही तो उन्होंने यशवंत को उच्च शिक्षा दिलाने में कसर नहीं छोड़ी। यशवंत की शिक्षा के लिए पिता ने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी। यशवंत ने 1922 में 10वीं पास की जिसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के प्रसिद्ध CCM कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 1928 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज से MA LLB की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वाईएस परमार जज बन गए। परमार साहब डिस्ट्रिक्ट जज के औहदे तक पहुंच गए। ये समय रहा होगा तकरीबन सन 1941 का जब परमार साहब जज पद पर थे, लेकिन तब परमार को ये एहसास हो गया था कि उनकी जिंदगी का उद्देश्य राजशाही की सेवा करना नहीं था। इसलिए 1943 में इन्होंने जज पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्या दे दिया? राजा ने ये कहकर निकलवाया कि ऐसे व्यक्ति को क्या जज बनाना जो बगावत करे, और सिरमौर की सीमाओं से बाहर निकलने की हिदायत दी। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि वाईएस परमार प्रजा मंडल में शामिल हो गए थे, उसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। हम आपको बता दें कि प्रजा मंडल कांग्रेस का ही एक स्वरूप था जो रियासतों में आजादी के आंदोलनों के लिए सक्रिय था। यशवंत सिंह सक्रिय रहे, देश आजाद हुआ और उन्हें कांग्रेस में जिम्मेवारियां मिली, लेकिन उससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह किया। सुकेत मंडी की ही एक रियासत थी जहां पर सत्याग्रह हुआ, इसीलिए इसे सुकेत सत्याग्रह का नाम दिया गया। 31 रियासतें थी जिनको भारत में जोड़ने के लिए सत्याग्रह हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति से सभी रियासतों को भारत में जोड़ा गया, जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को भारत के संघ और इन रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच में ये सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाया जाए और जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो। हिमाचल में 31 छोटी बड़ी रियासतें शामिल की गई। आज के भूगोल में समझे तो हिमाचल के 4 जिले चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। महासू शिमला के आसपास के सभी जिलों को महासू का नाम दिया गया था। 1952 हिमाचल में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। यह चुनाव हिमाचल में 36 विधानसभा सीटों पर हुए जिसमें कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत का परचम लहराया, और 3 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। वाईएस परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा था, इसीलिए 1954 में 8 जिलों के साथ ही बिलासपुर रियासत को भी हिमाचल में मिला लिया गया। फिर विधानसभा सीटें बढ़कर 36 से 41 की गई। इसके बाद साल आया 1956 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। पहले सभी राज्यों को A, B और C कैटेगरी में रखा जाता था। सी कैटेगरी में छोटे राज्यों को रखा जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये प्रस्ताव पारित किया कि
इन ABC कैटेगरी को हटाकर सभी राज्यों को पूर्ण राज्य का अधिकार दिया जाए और साथ ही में सी कैटेगरी के छोटे राज्यों को साथ के बड़े राज्यों में जोड़ा जाए या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। हमारा हिमाचल भी सी कैटेगरी में था, इसके बाद हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद विधानसभा को खत्म कर उसकी जगह एक टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया, जिसका मुखिया एक चेयरमैन होगा। कहते हैं कि ये YS परमार के कद के हिसाब से एक छोटी कुर्सी थी। 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल का चेयरमैन मंडी के ठाकुर करम सिंह को बनाया गया। अब ये पद मुख्यमंत्री का नहीं हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में महासू सीट से YS परमार जीत कर दिल्ली पहुंचे। 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिससे YS परमार और इंदिरा में अच्छा तालमेल बैठ गया। लेकिन 1962 और 1963 में ये मांग उठने लगी कि टेरिटोरियल काउंसिल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और विधानसभा को बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित किया कि इसी टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत विधानसभा बहाल की गई। वहीं दूसरी ओर YS परमार दिल्ली में हिमाचल की सीमाओं के विस्तार की चिंता कर रहे थे कि किस तरह हिमाचल का विस्तार हो। विधानसभा बहाल होने के बाद 1 जुलाई 1963 को यशवंत सिंह परमार ने फिर से हिमाचल के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली। इसके बाद 1967 में YS परमार ने तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समय बीता, जिसके बाद साल आया 1970, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिस वजह से दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पारित हुआ हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी, जो उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो शिमला दौरे पर आई। उस दिन शिमला में भारी बर्फबारी हो रही थी। इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सभी हिमाचलियों को हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने की सौगात दी। और साथ ही में इंदिरा गांधी ने हिमाचल को तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी। हिमाचल पूर्ण राज्य बन गया और इसमें नए जिले 1966 में ही जोड़ दिए गए थे। जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था तो पंजाब से अलग करके हरियाणा को बनाया गया। तभी पंजाब के पहाड़ी इलाके, जिन्हें पंजाब हिल्स कहा जाता था, इसमें कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला के कुछ इलाके थे। इनको हिमाचल में जोड़कर 41 विधानसभा क्षेत्र वाली विधानसभा को 68 कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की नींव यशवंत सिंह परमार ने रखी थी और जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो वित्तीय आवंटन के लिए YS परमार जब योजना आयोग के सामने पहुंचे तो योजना आयोग ने पूछा कि आपकी तीन मांगे क्या है, तो YS परमार ने कहा कि सड़क, सड़क और सड़क, क्योंकि YS परमार समझते थे कि पहाड़ों की जीवन रेखा बाकी कामों की अपेक्षा सड़क पर ही टिकी हुई है। जब परमार ने पहली बार राज्य की बागडोर संभाली तो 250 किलोमीटर की मोटरेबल रोड थी, जबकि आज यह आंकड़ा 45,000 पार कर चुका है और इसकी बुनियाद यशवंत सिंह परमार ने रखी थी। यशवंत सिंह परमार इस बात को जानते थे कि जब सड़कें बनेगी तो बाहर के लोग हिमाचल में आएंगे, जब लोग आएंगे तो वो पैसा भी लाएंगे, जिससे प्रदेश की तरक्की होगी। बाहरी लोग हिमाचल की जमीन ना खरीद पाए, इसीलिए 1972 में YS परमार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट भी पारित किया, जिसमें कुछ एक अपवादों को छोड़कर हिमाचल का मूल निवासी ही हिमाचल में जमीन खरीद सकेगा। यशवंत सिंह परमार अक्सर कहा करते थे कि हमारी हवा भी बिकती है और पानी भी। हवा से तात्पर्य था कि हिमाचल का वातावरण बागवानी के अनुकूल है। सोलन में उनके नाम पर हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी। डॉक्टर इनके नाम में 1943 में लगा, जब जज की नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने इसके बाद सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। YS परमार ने पॉलीएंड्री, हिंदी में समझे तो बहुपति प्रथा को खत्म करने में पहल की थी, मतलब एक औरत के एक से ज्यादा पति।
ये प्रथा सीमांत जिले सिरमौर, किन्नौर और कांगड़ा में प्रचलित थी। इसका वाईएस परमार ने कड़ा विरोध किया। यशवंत सिंह परमार की जिंदगी का आखिरी किस्सा, जो उनकी ईमानदारी का सबूत देता है, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो वो बस में बैठकर घर चले गए। वो अक्सर बस में ही सफर किया करते थे, तो उनके खाते में उस समय 536 रुपए थे। 1977 में इस्तीफा देने के बाद परमार साहब अपने गांव में पहुंचे। इसके बाद 1978 में एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनका चलना फिरना बहुत कम हो गया। इसके एक साल बाद पता चला कि उन्हें कैंसर भी है। कैंसर के चलते 1 मई 1981 को वाईएस परमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यशवंत सिंह परमार का मानना था कि नेता के बेटे को नेता नहीं बनना चाहिए, इसलिए उनके जीवन काल में उनके परिवार से राजनीति में कोई नहीं आया। उनकी मौत के एक वर्ष के बाद 1982 में कुश परमार, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहराया। वाईएस परमार के इस्तीफा देने की दो वजह मानी जाती थी। एमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की गलत पॉलिसियों की वजह से वाईएस परमार निराश रहे, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी थ्योरी जो ज्यादा पुख्ता लगती है, वाईएस परमार नेहरू और इंदिरा के दौर में अच्छा तालमेल बिठा रहे थे, पर यह दौर था संजय गांधी का। इसमें परमार साहब फिट नहीं बैठ रहे थे। फिट बैठ रहा था जुब्बल से विधायक रामलाल ठाकुर, जिसने इंदिरा के दरबार में 22 विधायकों से ये कहलवाया कि वाईएस परमार का दौरा खत्म हो चुका है। तो परमार साहब ने इसी बात पर अमल करते हुए इस्तीफा दिया और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के चेले ठाकुर रामलाल को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, ऐसा रहा हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार का अंतिम दौर। और रोजाना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।